दिवाली के त्यौहार पर बढ़ती डिमांड के चलते मिलावटखोर सक्रिय रहते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 5 टीम बनाकर आगरा जनपद में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि दिवाली के मौके पर तैयार होने वाली मिठाइयों खिलौनों में मिलावट की सूचना मिल रही थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए टीना पॉल और रानी पॉल से चीनी से बने खिलौनों को सफेद करने का खेल चल रहा था। मिलावटखोर कपड़े सफेद करने वाले रानी पॉल और टीना पॉल के माध्यम से चीनी के खिलौनों को सफेद कर रहे थे। इसके साथ ही 240 किलो घटिया सामग्री से बने खिलौने भी बरामद किए गए हैं। एफएसडीए द्वारा हमेशा कार्रवाई की जाती है। त्योहारों में क्योंकि मिलावटखोर और मांग अधिकता होने के कारण जो है सक्रियता बढ़ जाती है लोगों की, और इस मद्देनजर हमेशा टीम गठित होती है और अब की बार भी टीमों को 5 टीमों में विभक्त किया गया है, तहसील से लेकर जो है शहर में कार्रवाई करने के लिए। और 5 टीमें लगातार जो भी सूचना प्राप्त हो रही है उपभोक्ताओं द्वारा किसी अन्य माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा टीम प्रॉपर रूप से निरीक्षण करते हुए उन्हें जहां कुछ गलत मिल रहा है उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और अब तक टीम द्वारा लगभग 53 नमूने लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई स्थानों पर खोआ, सरसों का तेल और मिठाइयों के नमूने भी भरे। 15 नमूने लिए गए हैं। शहर से लेकर देहात तक ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई चल रही है। 2.5 लाख रुपए की मिलावटी सामग्री को नष्ट भी कराया गया है। साथ ही 3 लाख रुपए का अब तक माल जब्त किया चुका है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना था मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। जो बड़े मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी। साथ ही लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। देवेश शुक्ला, सी न्यूज, आगरा।